क्या आपको गली क्रिकेट याद है? गली क्रिकेट जो हम लोग अपने गलियों में खेला करते थे, एक जगह पे खड़े होकर अंडर आर्म बॉलिंग। भाई साहब, गली क्रिकेट के रूल्स ही अलग होते हैं। अगर किसी ने अपने करियर में या फिर अपने बचपन में गली क्रिकेट को नहीं खेला तो उसे गली क्रिकेट समझ ही नहीं आएगा। तो आपकी गलियों की यादें ताज़ा करने, आपकी बचपन की यादों को ताज़ा करने आ गई आज की मूवी कच्चे लिंबू। ये एक फैमिली ड्रामा जॉनर वाली मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं शुभम योगी। तो आज हम रिव्यू करने वाले इस मूवी को और जानेंगे कैसी है मूवी, क्या मूवी आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने वीडियो के एंड तक चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है आकाश और अदिति की, दोनों भाई बहन हैं। आकाश का विजन क्लियर है, वो क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना चाहता है, पर फैमिली की एक्सपेक्टेशन आकाश से बहुत ही अलग है। फैमिली चाहती है कि आकाश एक 9 to 5 की जॉब करके अपना लाइफ को सेटल करे। दूसरी ओर अदिति अभी भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है। आकाश हर साल सोसाइटी टूर्नामेंट में पार्ट लेता है और वो गली क्रिकेट का चैंपियन अपने सोसाइटी का। कहानी में एक ट्विस्ट आता है और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स मिलके गली क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए अंडर आर्म प्रीमियर लीग की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें सिलेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया से गली क्रिकेट के चैंपियंस को सिलेक्ट करेंगे इस टूर्नामेंट के लिए। तो अब आकाश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इंटरनेशनल लेवल में ले जाने की। सब कुछ सोसाइटी के टूर्नामेंट पे डिपेंड हो जाता है। तो अब आगे क्या होता है, क्या आकाश इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगा, आखिर क्या कहानी है कच्चे लिंबू की, ये जानने के लिए देखिए 1 hour 49 minutes की मूवी कच्चे लिंबू। कहाँ देखनी है? ओनली ऑन जियो सिनेमा। फिल्म की स्क्रिप्ट एंड इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो काफी अच्छी है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आया। भाई इससे पहले एक मूवी आई थी असली क्रिकेट कह के, असली क्रिकेट में भी एक अलग टाइप की क्रिकेट स्टोरी हमें देखने को मिलती है, और ये कच्चे लिंबू में भी हमें गली क्रिकेट की कहानी दिखाई गई है जो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। सिंगल लाइन में अगर मैं कहूँ तो पूरी मूवी ही एंटरटेनमेंट है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ये मूवी आपको कहीं भी निराश नहीं करती। क्रिकेट के पिच में क्रिकेटर जितना फ्लुएंटली वो खेलता है, क्या मैदान के पीछे अपने फैमिली में अपने करियर में क्या वो उतना फ्लुएंटली खेल पाता है, आखिर कैसे चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ती है, फैमिली की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से इस फिल्म में दिखाया गया जो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। स्क्रीन प्ले डिसेंट है, डायलॉग्स इंप्रेसिव है, फिल्म में जो ह्यूमर को भी यूज़ किया गया वो भी हिलेरियस है, अच्छा लगता है देख के। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, इवन फिल्म के गाने भी टॉप नॉच है। भाई गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको याद रहते हैं गाने। एडिटिंग अच्छी है, पूरी मूवी 1 hour 50 minutes की है जो एक पल के लिए भी लेंदी फिल नहीं होती है। अगर नजर डाले कास्टिंग के ऊपर, सो इस मूवी के लीड रोल में है राधिका मदान, आयुष मेहरा, नीरज पांडे, महेश ठाकुर आदि ऐसे कलाकार। ओवरऑल सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहती है। मुझे पर्सनली राधिका मदान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ठीक ठाक रहता है। बात करें अगर क्लाइमैक्स की तो मूवी का क्लाइमैक्स भाई मजा आ गया देख के। इन शॉर्ट ये एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है, आप पूरे फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसमें रेट करूंगा 8.7 out of 10 stars। मैंने की बात करें तो ये मूवी टोटल फैमिली फ्रेंडली है। अगर आपने इस मूवी को पहले देखा है तो आपको ओपिनियन के साथ कमेंट शेयर करें, नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं जियो सिनेमा में, और इसे मिस करने की गलती मत करना। भाई वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करें सब दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्म देखना पसंद हो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटेंट देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।